बड़ी खबर भोपाल से है। कांग्रेस के एक और विधायक ने इस्तीफा दिया। नेपा नगर विधायक सुमित्रा देवी काजडेकर ने इस्तीफा दिया है। सुमित्रा देवी ने विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए। नेपा नगर विधायक सुमित्रा देवी काजडेकर ने इस्तीफा दिया है। हालांकि सुमित्रा देवी ने इस्तीफा देने के बाद अभी क्या बीजेपी ज्वाइन करेंगी या कर ली है इसको लेकर जानकारी नहीं मिली है, लेकिन उपचुनाव से पहले कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। सुमित्रा देवी ने विधायकी पद से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में प्रद्युम्न लोधी ने इस्तीफा दिया था, बीजेपी में शामिल हुए थे, और अब एक और विधायक नेपा नगर विधायक सुमित्रा देवी ने विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। तो बड़ा झटका कांग्रेस के लिए और एक और विधायक कांग्रेस खेमे से बाहर निकलता हुआ इस्तीफा दे दिया है। और ये एक बड़ी खबर कांग्रेस के लिहाज से, बड़ी खबर कांग्रेस में, ये टूट का भी संकेत। एक और विधायक कांग्रेस से बाहर आती हुई इस्तीफा दे दिया है विधायकी पद से। हालांकि अगला कदम सुमित्रा देवी का क्या होगा ये आपको सबसे पहले हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले एक बड़ा झटका जो कांग्रेस के लिए सामने आ रहा है। सुमित्रा देवी विधायक हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एक और विधायक, लगभग एक सप्ताह के अंदर ये दूसरा विधायक है कांग्रेस का जिन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहा है, विधायकी पद से इस्तीफा दिया है। बड़ा झटका उपचुनाव से पहले राजनीति में क्या क्या रंग देखने को मिलेंगे ये इस समय नजर आ रहा है मध्य प्रदेश की सियासत में। कांग्रेस के लोग लगातार कांग्रेस को छोड़ते हुए, कांग्रेस के विधायक पार्टी को छोड़ रहे हैं, विधायकी पद से इस्तीफा दे रहे हैं। नेपा नगर विधायक सुमित्रा देवी काजडेकर ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर, बड़ी खबर, हाल ही में प्रद्युम्न लोधी ने इस्तीफा दिया था और अब एक और विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेपा नगर विधायक सुमित्रा देवी ने इस्तीफा दिया है। कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है और सुमित्रा देवी का यूं चले जाना, क्या वजह थी, क्यों वो इस्तीफा दे चुकी हैं। लोधी से पहले 22 विधायकों ने भी इस्तीफा दिया था, सरकार फिर गिरी थी, फिर सरकार बीजेपी ने बनाई, अभी उन 22 सीटों पर चुनाव हुए नहीं थे, 2 सीटें विधायकों के निधन के बाद खाली थी, 24 हुई, फिर प्रद्युम्न लोधी गए, 25 हुई और अब 26। लोधी से पहले 22 विधायकों ने इस्तीफा दिया था, फिर प्रद्युम्न लोधी और अब सुमित्रा। कांग्रेस के एक और विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। नेपा नगर से विधायक है सुमित्रा देवी काजडेकर जिन्होंने विधायकी पद से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है और अब तक माना जाए तो कुल 24 विधायक कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं। 22 सिंधिया के साथ गए थे और उसके बाद एक सप्ताह के पहले ही लगभग प्रद्युम्न लोधी ने इस्तीफा दिया था और अब नेपा नगर विधायक सुमित्रा देवी जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और हमारे सहयोगी हरीश दिवेकर जी जुड़ रहे हैं सीधे राजधानी भोपाल से। हरीश जी, ये बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए, एक के बाद एक विधायक छिटक रहे हैं और अब की जो नंबर आया है वो सुमित्रा देवी का, क्या वजह निकलकर सामने आप पर? देखिए, अभी वजह तो सामने नहीं आई, लेकिन जिस तरह से भाजपा दावा कर रही थी 5 से 6 विधायक अभी कांग्रेस विधायक छोड़ के भाजपा में आने वाले हैं, वो लगता है उनका दावा सच साबित होते दिख रहा है। प्रद्युम्न लोधी के बाद ये सुमित्रा कासड़ेकर नेपानगर विधायक हैं और ये सुमित्रा जी ने राजेंद्र दादू जो भाजपा विधायक थे उनका एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, उनकी बेटी मंजू दादू का राया था और भारी भरकम जी अरुण यादव के कोटे से मानी जाती हैं और उनके नज़दीकी थी। ऐसे में कांग्रेस के दिग्गज नेता को झटका लगा क्षेत्र में और साथ में कांग्रेस को झटका लगा। अब कांग्रेस की संख्या जो है घटके सीधी 94 से लगा के अब 92 पे आ गई है। लगातार 2 विधायक भाजपा के छोड़ गए और अभी 2 विधायक और जिसमें चल रही थी बात दमोह के, राहुल लोधी और तमर लोधी बंडा के, जब ये बात चल रही थी कमलनाथ ने, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उनको अपने बंगले बुलाया था, उनसे बात की थी और तब उन्होंने कहा था कि नहीं, हम भाजपा में शामिल नहीं हो रहे, कांग्रेस छोड़कर नहीं जा रहे हैं। तो कांग्रेस को लगा था कि उनके विधायक अब शायद छोड़कर नहीं जाएंगे। ऐसे में दूसरी जगह से झटका लगना,
कांग्रेस के लिए एक चिंता की बात है कि ऐसा ना हो कि उपचुनाव के पहले कांग्रेस इतना गैप हो जाए कि वो सरकार में आने का सोच भी ना सके। लगातार भाजपा कांग्रेस के विधायकों को तोड़ रही है और जिस तरह से लगातार इस्तीफे हो रहे हैं कांग्रेस में, वो एक चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। और अभी जो आंकड़ा है कांग्रेस का, अगर ये लगातार कम होता रहा तो गैप इतना बढ़ जाएगा कि बिल्कुल ये एक बड़ा झटका है। शुक्रिया आपका फिलहाल के लिए हरीश दिवेकर।